हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस। तो V4 वीडियोस के व्हाट इज इनसाइड सीरीज के इस पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये वेइंग मशीन होती है जिसमें कि हम लोग अपना वजन तौलते हैं, खास तौर पे डिजिटल वाली, इसके अंदर क्या होता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग इसे पूरी तरीके से ओपन करके देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ऐसा कौन सी चीज़ लगी है जिसकी वजह से ये एकदम सही सही वजन बता देता है। तो वैसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था करीब 800-900 रुपए का। अगर बाई चांस आपको इसे ख़रीदना होगा तो मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ख़रीद सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं टोटल 6 पेंच, यहाँ पर भी शायद हो सकता है, तो मैं इसे खोज के देख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी प्रोडक्ट में सील के तौर पे एक पेंच छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे वैसे तो कोई भी पेंच नहीं लगा हुआ है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग यहीं पे और पेंच ओपन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है टोटल 9 पेंच। हाँ, तो टाइम तो लगने वाला ही है ओपन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो 4 पावे लगे हैं जब हम लोग खड़े होते हैं तो यही दबते हैं और कुछ ना कुछ अंदर जरूर करते हैं, तभी ये हमारा वजन बता पाते हैं। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, हाँ 4, 5, 6, 7, 8 और फाइनली 9। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद का वजन करने वाला वेइंग मशीन पहली बार ओपन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 अलग अलग तरीके के वेइंग मशीन को ओपन कर चुका हूँ, उनकी लिंक आपको आर बटन में जाके मिल जाएगी, उन्हें आप लोग जरूर से देखिएगा। तो 3, 2 और 1। तो यहाँ पे कुछ ये था चौकोर खाने, और आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसकी बॉडी किस तरीके की बनी है, एकदम मजबूत। यहाँ पे इसका मॉनिटर है, वही मतलब डिस्प्ले, और पीछे कुछ कंप्यूटर वाला वही बोर्ड जो भी कुछ कैलकुलेट करता है, इतना कुछ मेन पार्ट इसका मदरबोर्ड। और ये देखो यहाँ से वायर्स आए हैं जो कि गए हैं इस मेटल की स्ट्रिप में। ये देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन में वायर्स आए हैं जो कि गए हैं इस मेटल की स्ट्रिप में। ये देखो मेटल की स्ट्रिप दिखी यहाँ पे, यहाँ पे जो लंबी सी मेटल की स्ट्रिप है इसे बोलते हैं स्ट्रेन गेज, STRAIN, स्ट्रेन गेज। तो जब भी हम लोग अपनी वेइंग मशीन में खड़े होते हैं तो स्ट्रेन गेज बेंड होता है, यहाँ बेंड होता है, जिसकी वजह से इसमें जो भी सर्किट है उसके रेजिस्टेंस में चेंज होता है, और उसी रेजिस्टेंस के चेंज को यहाँ पे जो भी कंप्यूटर लगा है वो वेग के रूप में परिवर्तित करके दिखा देता है। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज या फिर स्ट्रेन गेज क्या है, वहाँ पे आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जो हम लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक वाली वेइंग मशीन होती हैं उसके अंदर क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।